हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संतोष है। मैंने आज 2 डिजिट के नंबर्स पर एक प्रोजेक्ट बनाया है और आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। ये मैथमेटिकल है, मैथमेटिकली मैंने एक्सेल सॉफ्टवेयर पर प्रूव किया है। आप कोई भी नंबर 2 डिजिट के लेते हैं, उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर कर और असेंडिंग ऑर्डर में कर कर, यानी उसे बढ़ते से घटते क्रम में कर कर और घटते से बढ़ते क्रम में करने पर आपको 2 नंबर मिलता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में से माइनस असेंडिंग ऑर्डर करने पर आपको एंड रिजल्ट 9 ही आएगा। तकरीबन ये 5 स्टेप्स लेता है। 5 स्टेप के बाद आपको ये नंबर 9 ही आएगा। आज मैं आपको बताता हूँ किस तरह काम करता है। इसमें केवल कुछ एक्सेप्शनल केस होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि या द रिजल्ट कभी भी 0 होगा अगर नंबर 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, अगर ये नंबर होंगे तो इनको असेंडिंग करिए या डिसेंडिंग करिए, रिजल्ट वुड बी द सेम। सो अगर हम उसमें डिसेंडिंग में से अगर असेंडिंग को माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। ये एक्सेप्शनल केस को छोड़ने के अलावा बाकी नंबर्स में अगर हमें अप्लीकेबल करते हैं तो रिजल्ट जो हमारा 9 आएगा। इसके लिए मैक्सिमम 5 5 स्टेप लगेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिया है, मैंने 11 से लेके 99 तक इस नंबर को प्रूव करने के लिए, इस फार्मूले को प्रूव करने की कोशिश किया है। जैसे हम 11 लेते हैं, डिसेंडिंग भी 11 ही होगा और असेंडिंग भी 11 ही होगा। अगर 11 में से 11 माइनस करते हैं, रिजल्ट हमारा 0 आता है। जब यही हम 12 लेते हैं, 12 का डिसेंडिंग जो होता है वो 21 होता है और असेंडिंग होता है 12। 21 में से अगर हम 12 माइनस करते हैं तो रिजल्ट आता है 9। तो 12 नंबर के केस में ये एक स्टेप में ही प्रूफ हो जाता है कि 9 आएगा। किंतु अगर हमने 13 लेते हैं तो 13 का डिसेंडिंग आएगा 31, असेंडिंग आ रहा है 13, रिजल्ट आ रहा है 18। फिर इस 18 को हम डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। डिसेंडिंग कर रहे हैं तो 81 आ रहा है और असेंडिंग करेंगे तो 18 आएगा। 81 में से अगर हम 18 माइनस करते हैं तो रिजल्ट 63 आता है। इस 63 को हमने फिर से लिया है यहाँ पर। 63 को अगर हमने डिसेंडिंग किया तो आ गया 63, असेंडिंग किया 36, 63 में से अगर हमने 36 माइनस किया तो रिजल्ट आ गया 27। इसी तरह हमने 27 को लिया यहाँ पर। 27 का डिसेंडिंग होता है 72, असेंडिंग होता है 27, तो रिजल्ट आ गया 42 45। अब हमने हमें 45 को लेना है। 45 को डिसेंडिंग लगाया 54 आया, असेंडिंग में अरेंज किया 45 आया। 54 माइनस 45 रिजल्ट वुड बी 9। सो अगर हमने ऐसे 5 स्टेप में रिजल्ट किसी भी नंबर का 9 ही आने वाला है। इस तरह मैंने काफ़ी 99 नंबरों तक का मैंने इस्तेमाल किया है। आप देखेंगे हम कोई और रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, जैसे 22 में देखेंगे तो सेम नंबर है, रिजल्ट वुड बी 0, तो ये काम नहीं करेगा। 23 में 32 डिसेंडिंग, 23 असेंडिंग, रिजल्ट फर्स्ट स्टेप में ही आ गया। 24 के केस में देखेंगे तो डिसेंडिंग 42 और असेंडिंग 24, रिजल्ट आया 18। फिर इस 18 को हमने यहाँ पे लाए और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा तो 81 हो गया, असेंडिंग में रखा तो 18। इस तरह 63 मिला। फिर 63 को भी हमने डिसेंडिंग किया, असेंडिंग किया, 63 माइनस 36 रिजल्ट आया 37, 27। फिर हमने 27 को 72 और 27 के डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में रखा, रिजल्ट आया 45। इस तरह आप कोई भी नंबर लेते जाइए, उसका रिजल्ट होगा एंड रिजल्ट जो होगा वो 9 ही होगा। अगर हम चाहें तो 98 पे देख सकते हैं, 98 का डिसेंडिंग होगा 98, असेंडिंग होगा 89, रिजल्ट 9। अगर हमने 97 लिया, 97 का डिसेंडिंग होगा 97, असेंडिंग होगा 79। 97 में से 79 माइनस होगा 18 आएगा,
18 का डिसेंडिंग 81, असेंडिंग 18 होगा, 81 में से 80 माइनस करेंगे 63 होगा। इस तरह आप कोई भी नंबर लीजिए, एंड रिजल्ट 9 ही आएगा। तो इस तरह मैंने प्रूव करने की कोशिश की है कि कोई भी आप दो डिजिट का नंबर लेते हैं, उसे डिसेंडिंग कर कर और असेंडिंग कर कर आप डिसेंडिंग में से असेंडिंग नंबर को घटाते हैं तो रिजल्ट 9 ही होगा, 9 ही होगा। इसमें आपको 5 स्टेप, मैक्सिमम 5 स्टेप लग सकते हैं। यहाँ पर मैंने फॉर्मूले से प्रूफ किया है कि 10 को 1 स्टेप लगा और 11 को भी 11 में तो एप्लीकेबल नहीं होगा, 12 को 1 स्टेप, 13 को 5 स्टेप लगा है, 14 को आप देखेंगे तो 3 स्टेप लगा है, 15 को देखेंगे तो 4 स्टेप लगा है, 16 को देखेंगे तो 2 स्टेप लगा है, 17 को देखेंगे तो 2 स्टेप में ही हो गया है, 18 को 4 स्टेप लगा है, 19 यहाँ पर 3 स्टेप में ही आ गया है 9 रिजल्ट। दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स, लाइक्स और सब्सक्राइब पर निर्भर होगा कि मैं आगे और कितने वीडियो पोस्ट करूँ। थैंक यू दोस्तों।